हेलो गाइज, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज बॉडी इस पर स्टडी करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे महात्मा गांधी बाबा। अगर आपका स्टडी नहीं भी हुआ है तो भी आपके लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें कोई स्टडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेरी ट्रिक याद होनी चाहिए। MGB महात्मा गांधी बाबा, M से मेटा सेंटर, G से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, B से सेंटर ऑफ बायोलॉजी, बस फिर आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। तो चलो दोस्तों देखते हैं, दो तरह की बॉडीज रहेंगी। एक तो फ्लोटिंग बॉडीज, जैसे कि जहाज तैरती है रिवर पे तो फ्लॉट करती है ना, तो उस तरह से जैसे मैंने यार फर्स्ट डायग्राम में दिखाया है, तो जब वो टिल्ट होती है तो वहाँ पे एक मेटा सेंटर फॉर्म होता है जो कि ऊपर की तरफ रहता है, और यहाँ पे तीन जो पॉइंट फॉर्म होते हैं वो होता है मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोलॉजी सीरीज है। आपको MGB ये याद रखना है, जब भी MGB रहेगा तब हमारा जो जहाज है, हमारी जो बॉडी है जो तैर रही है वो स्टेबल रहेंगे। मतलब हमें स्टेबल कौन करेगा? महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने हमें स्टेबल किया था। तो ये मतलब मेटा सेंटर जो कि ऊपर रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर में रहेगा, और सेंटर ऑफ बायोलॉजी जो वाटर बॉडी के अंदर रहेगा। तो इस तरह से जब सीक्वेंस बनेगा, जब वाटर लेवल के ऊपर मेटा सेंटर जाएगा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर मेटा सेंटर जाएगा, तब हमारी जो बॉडी वो स्टेबल रहेगी। वेन द फ्लोटिंग बॉडीज, जब वो फ्लोट करे तब वो स्टेबल रहेगी, जब मेटा सेंटर ऊपर रहेगा। मेटा सेंटर कब फॉर्म होता है? जब बॉडी टिल्ट होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इससे कैसे सवाल पूछा जा सकता है वो देखते हैं। इसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, और द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी और ऑप्शन दिया जाएगा। तो मैंने बताया फ्लोटिंग बॉडी को स्टेबल रखना है, मतलब एम मतलब मेटा सेंटर ऊपर होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, जी के ऊपर, और बायोलॉजी ग्रेविटी के नीचे रहना चाहिए। मेटा सेंटर मस्ट बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक बात याद रखना, फ्लोटिंग बॉडी जो है ना वो डिपेंड किस पे करती है? मेटा सेंटर। आपको सवाल भी पूछा जाएगा, एक फ्लोटिंग बॉडी डिपेंड किस पे करती है, सेंटर ऑफ बायोलॉजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मेटा सेंटर? तो आपको मेटा सेंटर ऑप्शन चूज करना है। PCS इस तरह की क्वेश्चन पूछ सकती है तब, और कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। MGB दो तरह की बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडीज और सबमर्ज बॉडी। जो फ्लोटिंग बॉडी है उस पर MGB यूज करना है, क्योंकि मेटा सेंटर वाटर लेवल के ऊपर आएगा तो स्टेबल रहे, अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आ जाता है तो अनस्टेबल बॉडी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना। एवरी डे ट्रिक्स अपलोड करने वाला हूँ तो आपको मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी नॉन टेक्निकल्स जैसे करंट सपेर है उनकी भी ट्रिक डालने वाला हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।